कहना चाहूंगा, देखो ये बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, इतना अपना मैंने भी देखा था भाई आपका चैनल, तभी से मैं पहले रेडी कर लिया, डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया था, मेडिकल के लिए ट्रिप हो गया था, इन भाइयों को देखा था। थैंक यू सबका, कि सबको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इनका भी बनता है इतना मेहनत तो बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं नरेश बात कर रहा हूँ। मैं 7 साल से ट्रैक में ड्यूटी कर रहा हूँ सिंगराज जोन से। अभी ज्यादा आदमी है, अभी फ्रेंड्स का हिंदी में वीडियो बना के हमको ज्यादा आदमी कमेंट में भेजा है, इसलिए हमारा हिंदी वीडियो बना है। इधर दो आदमी है, एक डीबी बोल रहा है प्रोसेस का, और एक आदमी मेडिकल प्रोसेस पिन बाय पिन स्टेप बाय स्टेप बोल रहा है। देखने का एस्पिरेंट्स, पहले आपका चैनल को सब्सक्राइब करके आपका फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो गया सिकंदराबाद से? अभी एक आदमी है इधर, उसके 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 पता है वन बाय वन स्टेप के, ठीक है। नमस्कार जी, मैं शिव कुमार। कहाँ से आ गया जी? मैं शिव कुमार यूपी से आया हूँ, और मेरा डीबी जो है 8 तारीख के था। कहाँ, कल का डीबी हो गया? हाँ, कल का डीबी मेरा हो गया। और मैं आया था सिकंदराबाद, सिकंदराबाद रहने के लिए भी अच्छा व्यवस्था है, अगर आप रहना चाहते हैं तो आप वहाँ लॉज वगैरह है, लॉज में रह लीजिए, 2 दिन पहले आइए, लॉज में रहिए, वहाँ लॉज में रह के अपना जो है जिस दिन डीबी है, अपना डीबी जो है प्लेस जो है अपना प्लेस देख लीजिए, और उसके बाद डीबी जाइए। डीबी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आसानी से हो जा रहा है। क्या डीबी में क्या सर्टिफिकेट देखा है? डीबी में देखा है आपका, आने का आदमी का सजेशन करना जी। जी जी, मैं सजेशन दूंगा, डीबी में आप सारी डॉक्यूमेंट लेके आइए, लेकिन लग रहा है मात्र 3 ही चीज लग रहा है, 3 पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो, आपका हाई स्कूल का मार्कशीट है, और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट, और ईबीसी अगर आपने 250 कटवाया है तो आपका ईबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये 3 चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और आपका कोई है जैसे वहाँ सब मेंबर हैं, तो कोई जो है आपका पेट का भी देख रहे हैं, कोई आपका सीबीटी का भी जो निचला पोर्शन है वो भी देख रहे हैं, वो कंपलसरी देखना है, कंपलसरी नहीं देख रहे हैं। कोई टीचर जो है मांग रहा है देखने के लिए, लेकिन कोई नहीं मांग रहा है, ठीक है। हाँ, और कोई आधार कार्ड भी ले रहा है देखने के लिए, कोई नहीं देख रहा है, तो आपका जो है लिए रहिए आप। मैं सजेशन दूंगा आप लोगों को कि आप लोग जो है डॉक्यूमेंट सब लेके आइए, वहाँ जो आपको माना जाएगा वो आपको दीजिएगा, लेकिन आप 3 चीज पे ज्यादा फोकस करिएगा, एक आधा जो है आपका हाई स्कूल का मार्कशीट हो गया, और ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, और ईबीसी हो गया, और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इसका ओरिजिनल ले लीजिएगा, और 2-2 कॉपी फोटो कॉपी। हाँ, कितना पासपोर्ट लेना है? पासपोर्ट ऐसा फोटो आपका 3 लग रहा है, लेकिन आप 5 लेके आइए, लग रहा है 3 आपका, वहाँ एक दिया जाएगा, एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म में 3 लग रहा है, लेकिन आप 5 लेके आइए, 5 आपका सफिशियंट है। आप बोल रहे जी पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसा कैसा है? इजी बिल्कुल, आपका बिल्कुल इजी है। अगर आपका जैसे अगर कहीं नाम में गलती है, अगर फादर्स नेम गलती है, या फिर आपके मदर्स नेम में गलती है, या फिर आपका नाम में गलती है, तो आपका अगर एफिडेविट बनवा के लाते हैं तो और अच्छा है, नहीं तो आपको वहाँ फॉर्म भरवाएंगे जो गलती है आपको, हाँ उनकी प्रोसेस, आपका फॉर्म भरवा के साइन करवा लेंगे, आपको पास कर दे रहे हैं। एक बंदा था मेरे बैच में, उसका जो है जो हाई स्कूल का रोल नंबर है उसकी जगह से वो साइबर कैफे वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया था, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद वो यहाँ आके तो वो जो है फॉर्म देखे वो लोग, तो वो लोग उसको पहले दौड़ाए, फिर उसके बाद उसे वो रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, फिर उसके बाद उसे एक्सेप्ट किए और उसे एक व्हाइट पेपर पे लिखवा लिए गलती, ठीक है। तो छोटा प्रॉब्लम है तो ऑफिसर से समझ हो गया। हाँ, ऑफिसर आप हाँ, ऑफिसर समझ ले रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, लेकिन फेल किसी को नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चे। कितना आदमी आ गया एक बार में? आपका 200-300 बोल रहे हैं। आप कितना एब्सेंट लगता है? एब्सेंट तो मिनिमम 1-2 है, लेकिन सभी प्रेजेंट है, लेकिन 99% आ गया आदमी को। हाँ, 99 सब पास हो जा रहे हैं, फेल किसी को नहीं कर रहा है। एक दिन में हो गया? एक दिन में हो गया, फिर उसके बाद हमें भेजा मेडिकल के लिए, ठीक है। राइट, धन्यवाद शिव कुमार जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, मेडिकल कैसे प्रोसेस चल रहा है आपको? इधर काजीपेटा रेलवे हॉस्पिटल में है हम लोगों के, इधर आदमी है, आदमी से पूछना है क्या कैसे हो गया मेडिकल डॉक्यूमेंट, मेडिकल वेरिफिकेशन, क्या क्या टेस्ट चल रहा है, क्या देखता है मेडिकल में, कितना टेस्ट बन रहा है, बोले जी आपका नाम? जी, मेरा नाम बलवान सिंह भट्टर है, राजस्थान से हूँ। हाँ, आप राजस्थान से आ गया? बहुत दूर से आ गया जी। हाँ जी,
जैसा भाई ने के बाद हमको मेडिकल के लिए भेज दिया, यहाँ काजीपेट रेलवे हॉस्पिटल में हम आए। यहाँ पे भी ठहरने की काफी व्यवस्था है, लॉज वगैरह है, एसी मिल जाता है, कोई टेंशन नहीं। आने के बाद यहाँ पे हमको 8:30 का टाइम मिल गया था, हम आ गए, लेकिन थोड़ा आधे घंटे लेट आए थे। 9 बजे से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई थी। 9 बजे से प्रोसेस स्टार्टिंग के बाद हमको पहले बुलाया गया, एक के बाद एक, जो डिवीजन नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग बुलाया गया वहाँ पे। ठीक। तो उसके बाद एक पर्ची देता है, वो उस पर्ची को लेके एक ऑफिसर के पास जाना पड़ता है, वो उसमें फिलिंग करवाता है अपना नाम वगैरह और पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी एज, ऐसा फॉर्म कर फिलिंग करवाता है। फिलिंग होने के बाद फिर दूसरे के पास भेजता है, ऑफिसर के पास, वो उस पर साइन करता है कि आपका कौन सा मेडिकल होगा, उसको मेंशन करता है मेडिकल को, तो ये मेडिकल होगा आपका। उसके बाद मेडिकल के लिए हमको पहले भेजा गया, उसमें यूरिन टेस्ट हुआ सबसे पहले। इजिली कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ डिवीजन नंबर देते हैं उसके अकॉर्डिंग बैठा देते हैं, लाइन बाय लाइन बैठा देते हैं, एक एक करके आप आ जाइए। फिर यूरिन टेस्ट हुआ, सीरियल नंबर से यूरिन टेस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा वेट करते हैं 5-10 मिनट का, फिर उसके बाद एक्सरे को भेजा जाता है। एक्सरे में क्या देखा है? एक्सरे में कुछ भी नहीं, एक्सरे लिया है और हाइड्रोसील भी चेक कर रहा है, उसमें हाइड्रोसील वगैरह थोड़ा दूर से चेक किया है, लेकिन पास दूर से चेक नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, किसी से नॉर्मल प्रोसेस किसी से बस नॉर्मल बातचीत हुई है, पूछा वगैरह वगैरह कुछ भी पूछा नहीं है, और नॉर्मल प्रोसेस है। हाइड्रोसील वगैरह लेके फिर हमको बाहर निकाल दिया। बाद में क्या टेस्ट? फिर थोड़ा बैठे हम, वेट किए, बाद में कुछ टेस्ट नहीं हुआ, यही टेस्ट हुए थे कल, तो हमारे दो ही टेस्ट, कल दो टेस्ट हुए थे, साइन करा के। फिर हमारे लास्ट में वेट किया था हमने 1-2 घंटे का, फिर जो अगले जो पहले एक दिन पहले आया था उनका चल रहा था, उनका कंप्लीट होते ही हमसे साइन किया और बोला था कि आप लोग कल आ जाना 8:30 बजे। हम आज आए 8:30 बजे, फिर ऐसे ही सीरियल नंबर से हमको बैठा दिया और उन्होंने आई टेस्ट के लिए बोला, आई टेस्ट के लिए बुला लिया, वो भी बिल्कुल इजिली था। उसमें मैं ये कहना चाहूंगा किसी को कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, जिसका कोई प्रॉब्लम है उसका अलग से यहाँ प्रोसेस है। सब आदमी को ग्लास रहता है ना, स्पेक्टिकल्स, ग्लास के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ग्लास लाया उसका यही मेन है कि उसके अपने रिपोर्ट लाना है कि अपना कितना नंबर है और कितना पावर है उसमें, उसकी रिपोर्ट जरूर लाना है, क्योंकि यहाँ पे एक दो लड़का आया था वो रिपोर्ट नहीं लाया था, उनको रिपोर्ट के लिए भेज दिया है, पास में रिपोर्ट बन जाता है, बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल भेजना है। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ भी बन जाता है, लेकिन अपना घर से लाने का कोई प्रॉब्लम नहीं, वो रिपोर्ट ला सकता है, वो रिपोर्ट दिखाया। अभी ना आई टेस्ट हो गया हमारे, सकता है अभी चल रहा है, बच रहा है 10-20 लोग, तो उनका हो जाएगा, कोई नहीं है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे किसी का वो प्रॉब्लम कलर विजन वाला, एक भाई का आया था हमारा, मेरा दोस्त था उसका आया था यूपी से, उसको अभी माँ वापस भेज दिया हैदराबाद के लिए, दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया उसको, यहाँ पर उसको जाना, उसको एक लिफाफा दिया है, लिफाफा को दिखाना और 5-4 दिन में कभी भी जब भी फ्री हो 15 दिन के अंदर में आप यहाँ पे दोबारा रिपोर्टिंग करना, उसमें मतलब रीमेडिकल के लिए भेजा है, तो कोई प्रोसेस नहीं है, सबका हो रहा है, जिसको प्रॉब्लम है उसका भी यहाँ पे वो है सोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को बाहर नहीं करे। कल 40 लड़कों को हुआ था, 40 के 40 पास थे, अभी हमको 4 बजे करीब बुलाएंगे और सबको बोल देंगे कि आप सेलेक्ट। तो टोटल मेडिकल एग्जामिनेशन 2 दिन लगता है? 2 दिन लगता है, क्या सजेशन देना है मेडिकल एग्जाम आने को आदमी को? पहले तो ये है कि डीवी में जो भाई ने बताया वो 2-3 बोर्ड सर्टिफिकेट काफी है सभी सेंटर, बाकी ले आना अपना, कोई टेंशन नहीं है। मेडिकल में अपना जैसे ही डीवी हो जाता है उसके बाद सीधे आइए, यहाँ पे रहिए, कोई नहीं है, नॉर्मल रहिए। एक इसमें यह है जैसे डीवी कराने जा रहे हैं उस समय सुबह कुछ खाइए मत, ओनली पानी पीए, कुछ नहीं खाइए, आपका यूरिन टेस्ट बढ़िया होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। थैंक यू बनवर जी एंड थैंक यू शिव कुमार जी, अच्छा सजेशन देना है, नया आदमी वाला को बहुत इन्फॉर्मेशन दे है। देखो ये बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, इतना अपना मैंने भी देखा था भाई आपका चैनल, तभी से मैं पहले रेडी कर लिया, डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया था, मेडिकल के लिए प्रिपेयर हो गया था, भाइयों को देखा था। थैंक यू सबका, सबको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इनका भी बनता है इतना मेहनत तो बताते हैं। हाँ, बहुत लोग बताते हैं कि ये चेक होगा वो चेक होगा, डॉक्यूमेंट भी बहुत कुछ बता देते हैं, यहाँ केवल मैट्रिक्स का लिया जा रहा है और कुछ नहीं लिया जा रहा है। अगर आप टेक्निकल डिग्री है आपके पास, बीटेक है, कुछ नहीं ले, BSc है, वो सब कुछ नहीं ले रहे हैं, मात्र केवल आपका मैट्रिक्स ले रहे हैं और आपका जो है अगर OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका OBC लिया जा रहा है और सबको पास कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अदर YouTube वाले बहुत बताते हैं कि ये करिए वो करिए, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब आसान है, सब हो जा रहा है, सबको हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज वॉच KSP24 YouTube चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।